तो मेरे हाथ में है ये आज सेल्फी स्टिक, जिसको मैं आज आपको इसका रिव्यू करके बताने जा रहा हूँ। ये सेल्फी स्टिक मेरे पास आज ही पहुँचा है, वाई अमेज़न से मैंने इसको परचेस किया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। तो परचेस किया है और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेहद खूबसूरत सेल्फी स्टिक है। आप इसकी जो खासियत है मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊँगा, तो इसको देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे से अच्छे से इसका रिव्यू समझ में आए। और अगर दोस्तों आप भी ना मतलब बाहर जाते हैं या आपको व्लॉग बनाने का शौक़ है, वीडियो बनाने का शौक़ है, या अपना यूट्यूब चैनल आपका चल रहा है, तो उस सभी के लिए ये सेल्फी स्टिक बेहद कारगर है, क्योंकि इसकी जो ग्रिपिंग है दोस्तों ये आम सेल्फी स्टिक की तुलना में बेहद शानदार है। आप इसकी ग्रिपिंग देखिए पहले, मतलब जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ढंग की चीज़ सेल्फी स्टिक आपके हाथ में है। ये जो सस्ती जो सेल्फी स्टिक आती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस सेल्फी स्टिक में ये जो पकड़ होती है ना ये बहुत बेकार होती है, और जब तक आप अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं स्लिप ही बना रहता है, और उसके कारण आपका जो किसी कारण से अगर आपका सेल्फी स्टिक स्लिप हुआ तो आपका महंगा मोबाइल फ़ोन जो इसमें लगा होता है वो गिरकर डैमेज हो सकता है। तो एक अच्छा सेल्फी स्टिक आप एक बार ले लो, बार बार नहीं, थोड़ा सा बहुत महंगा नहीं है दोस्तों। ये सेल्फी स्टिक मुझे पड़ा है टोटल 550 रुपये का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि 550 रुपये का सेल्फी स्टिक जो है इसकी कीमत 1050% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये यांगटेंग कंपनी है, देखिए यांगटेंग कंपनी चाइना की कंपनी है और मॉडल 1288 आप मंगा सकते हो 50% डिस्काउंट पर, अभी आपको अमेज़न में मिल जाएगा। अब मैं इसकी खासियत की बात करूँ तो इसकी टोटल जो लेंथ जब आपको मिलेगी कम, जो इसका टोटल साइज़ होगा वो तकरीबन 1 फुट है। आप देखिए साइज़ इसका 1 फुट साइज़ है, ठीक है। और जब हम इसको खोलेंगे तो ये 4.5 फुट का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखा दूँ। एक पोर्शन खोलने पर ये साइज़ हुआ, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। तो अब मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका टोटल साइज़ आपको समझ में आए। तो ये पूरी एक सेल्फ़ी स्टिक के बेहद लंबी सेल्फ़ी स्टिक है, जो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो पूरे 4.5 फीट मतलब यहाँ आएगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं इतना बहुत होता है, ये आपको पूरी शायद खोलनी भी ना पड़े क्योंकि इतनी हाइट पर है आप। इसके बाद आप यहाँ से मान लीजिए आपने इतना हाइट सेट किया इसको, इसके बाद आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है नट, इसके थ्रू आप इसको खोल के सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेल्फी स्टिक को सेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल से इसको खोलिए और इसको खोल के जहाँ पर भी आपको इसको चाहिए, और इसमें बड़ा अच्छा सेट, ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा, स्प्रिंग पड़ी हुई है, स्प्रिंग के कारण ये बहुत आराम से, ये देखिए जितना भी आपको सेट करना है सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेट कर लिया सेल्फी मोड पे। अब इसकी खासियत है इस सेल्फी स्टिक में एक आपको यहाँ पर मिलता है मिरर, आप देख सकते हैं मिरर। इस मिरर के थ्रू आप जब सेल्फी लेंगे या वीडियो बनाएंगे तो आप पहली बार में इसको यहाँ पर देख पाएंगे, मतलब आप एक तरह से मिरर भी आपको मिल रहा है कि आप बिल्कुल लोकेशन के बीचों बीच खड़े हैं, कैसे बैकग्राउंड आ रहा क्या आ रहा, ये एक आपको आइडिया दे देगी। बहुत अच्छा तो मिरर नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए परफेक्ट है। अब इसकी जो सबसे खास बात मैं आपको बताऊं वो है इसका ब्लूटूथ डिवाइस। ये एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है दोस्तों, ये देखिए ये, और इसमें बगल में होता है एक बटन, इसको यहाँ से करना होता है ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये एक लाइट जल जाती है, इसका मतलब ये हमारे मोबाइल से अटैच होने के लिए रेडी हो गया, ठीक। इसके बाद इसको बंद कर देंगे और फिर यहीं पे बगल में दिया है इसमें USB चार्जर, इसकी लीड भी इसके साथ दी है। मैंने मंगाई छोटी सी, एक लीड होती है उसके थ्रू इसको चार्ज कर लेंगे। एक बार अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो इसमें 500 से 600 पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और तकरीबन 1 से 2 घंटे आराम से, बल्कि ज़्यादा अगर आप इसको जैसा इस्तेमाल करेंगे उस कैपेसिटी पर ये चलेगा। तो चार्जिंग भी बहुत फास्ट है, 1 घंटे में आपका ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। और 500 पिक्चरें एक बार में क्लिक होती हैं। सपोज़ आपको वीडियो बनाना है और आपने सामने वाले को ये पकड़ा दिया या कहीं स्टैंड पे सेट कर दिया, क्योंकि ये जो है इसमें नीचे एक पेंच दे रखा है, इस पेंच के थ्रू इसको हम सेल्फी स्टिक को ट्राईपॉड में बदल सकते हैं। सिंपल सा आपको ट्राईपॉड में इसको लगा देना है ऐसे इस पेंच के थ्रू, तो अब ये बन जाएगा ट्राईपॉड।
तो ये सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड है, जिसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आप इसको ट्राईपॉड में बतौर इस्तेमाल करेंगे ऐसे खड़े करके, तो अब आप इस डिवाइस के थ्रू कहीं दूर से बैठ के इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसको ऑन किया, इसको बंद किया, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए बाहर निकले हुए हैं, आपको ब्लॉग बनाना है, तो उस कंडीशन में आप इस डिवाइस को इसी सेल्फी स्टिक के इसमें आप सिंपल सा इसको ऐसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये खांचा इसलिए बनाया गया ताकि इसमें परफेक्टली ये चपक कर लग पाए। अब क्या है, सिंपल सा आप एक सेल्फी स्टिक बन गई, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस दिया, यहाँ पे सिंपल सा आपको स्मार्टफोन अपना लगा देना है, और स्मार्टफोन लगाने के बाद आप यहाँ से फोटो क्लिक कर पाएंगे। अब मैं इसकी जो ये तो सब दोस्तों इसकी खासियत थी कि क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ है, मेटल भी बहुत अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, ग्रिपिंग अच्छी है, ये तो थी अच्छी चीज़ें। अब इसका जो मैं एक पॉइंट जो मुझे लगा कि ये वीक है इसका, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें ये, तो ये एक और अच्छी सेल्फी स्टिक बन सकती है। वो ये चीज़ है कि इसमें ना ये जो माउंट दिया है, ये माउंट हमेशा अक्सर देखा होगा ज़्यादातर सेल्फी स्टिक इस माउंट का इस्तेमाल करते हैं। इस माउंट का इस्तेमाल करने के पीछे इनकी वजह होती है कि ये बेहद आसान तरीके से मोबाइल को लगा सकते हैं, फटाक से खींचा लग गया। लेकिन इसका एक रिस्क फैक्टर ये है कि ये अक्सर स्लिप करता है, स्लिप करने की वजह से कई बार हम अपने महंगे फ़ोन को स्क्रीन जो है डैमेज करा बैठते हैं। तो अगर हम इस माउंट को इसकी जगह पर एक नया माउंट आप मंगा लो, और मैं तो आपको सब सजेस्ट करूँगा, एक स्लोवाकी का माउंट आता है, उसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये। अगर आप एक बार वो माउंट ले लें दोस्तों, वो हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी और वो माउंट इसमें सेट हो जाएगा। और वो माउंट इसमें सेट होने के बाद फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। ये ट्राईपॉड भी बनेगा, ये सेल्फी स्टिक भी बनेगा, और बेहद शानदार बनेगा। मेरे पास एक ट्राईपॉड है, उसमें मैंने बाहर से वो माउंट मंगाया था, और वो माउंट मैं इस पर लगा लेता हूँ। उसके बाद कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपकी जो मोबाइल की पकड़ है वो बहुत शानदार होगी, क्योंकि उसमें ये स्प्रिंग से जो खींचने वाला सिस्टम है ना, ये नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है, ये मजबूत हो जाता है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि उसमें पेंच दिए रखा है, पेंच से आप उसको कस देते हैं, जितना चाहें उतना उसको टाइट कर सकते हैं। तो ये एक शानदार सेल्फी स्टिक है। बस इसकी एक जो कमी लगी मुझे, बस वो ये लगी कि ये माउंट आप यहाँ से सिंपल सा इसको खोल लें, और इसको खोलने के बाद सिंपल सा वही एक जो माउंट मैं बता रहा हूँ वो आप इसमें लगा दें। ये नट दे रखा है, बड़े आराम से लग जाएगा इसमें। और एक बात और है कि इस पर आप कोई माउंट नहीं, कोई भी माउंट लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा आप ये मानिए कि आपको इतनी सेल्फी स्टिक मिली है, ठीक है। अब आप एक अच्छा सा माउंट अपने मनपसंद के हिसाब से खरीदिए मोबाइल का, वो यहाँ पर लगाइए। तो ये कुल मिला के आपका, अगर मान लीजिए ये 500 का पड़ा हो, 300 का वो, यानी 800 रुपये में आपकी बहुत शानदार सेल्फी तैयार हो जाएगी, सेल्फी स्टिक, जो आपकी बेहद काम आएगी व्लॉग वगैरह बनाने में। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लग रही तो आप भी ले सकते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो मैंने मंगाई है और मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हूँ। थैंक यू।